Welcome to GovernanceRostrofession.com. This is Preeti and today we're going to learn next type of probability based on die and dice. Right? Let's start. In my previous video, I taught you this. One dice has six numbers and two dice value would be 36 because one dice, because I have taught you this chart also in my previous video, right? Remember this chart as well as this chart. Both charts are very important, right? So let's start from the first question. The question is, if two dice are rolled, what are the possibilities of getting a product of even numbers? In the last video, I taught you the sum. What is the probability of getting a sum of 9, sum of 8 and sum of 7 and so on, right? But now in this video, I am teaching you different quotients based on products, prime numbers and even numbers and odd numbers like this, right? So here I have it. If we multiply two even numbers, the product of two even numbers is even. If the product of one even and another number is odd, the product of even and odd is even. And the product of odd, two odd numbers, the answer would be an odd number. Right? Kini do even numbers. Even numbers, jo do se multiply, do se jo guna ho jate hain, wo even numbers hote hain. Aur odd numbers, wo hote hain, jo do se divide nahi hote hain. Theek hai? अगर एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर इवन होगा। अगर किसी इवन नंबर को हम किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर इवन होगा। लेकिन अगर हम दो ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर ऑड आएगा। ठीक है? उसके बाद हम देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स। अगर मैंने दो डाइस रोल किए, एक नंबर उस पर आएगा, एक नंबर उस पर आएगा, ठीक है? तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि उनपे जो नंबर होगा उनका जो प्रोडक्ट हम करेंगे वो इवन नंबर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है कि दोनों ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है इस पूरे चार्ट से कि अगर प्रोडक्ट दोनों पे जो भी नंबर होगा उनको मल्टीप्लाई करके एक इवन नंबर हमें मिलने वाला है, वो हमें इनमें से ढूंढना है कि कितने नंबर है। इसको करने के लिए बहुत आसान एक तरीका है। हमें अभी बताया इन्होंने कि इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आएगा, इवन को और से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, और को और से मल्टीप्लाई करेंगे तब ऑड आएगा। ठीक है? अब हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर इस पूरी लाइन में 1, 2, 3 तीन इवन नंबर्स। ठीक है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट लाइन में हमारे पास तीन इवन नंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इवन को हम और से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर ही तो आएगा। ठीक है? तो उस तीन को यहाँ ऐड करो, प्लस यहाँ पर सारे कम से कम एक तो इवन नंबर है, दो तो इवन नंबर है, और ये सारे मिल गए तो छः नंबर हमें यहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर 2, 4, 6 कम से कम एक इवन नंबर हमें यहाँ से मिला, तो फिर 3। उसके बाद इस लाइन में 4 जो है वो इवन नंबर है, 6, 5, 2, 4, 6 तीन इवन नंबर यहाँ पर है और 6 ही इवन नंबर इधर है। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास अगर हमारे पास एक इवन नंबर है, मैंने इसको इसको और इसको लिया इवन नंबर है, अगर मैं इवन को 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2 आएगा, यानी कि इवन नंबर। अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 4 आएगा, दैट इज इवन नंबर। अगर 6 को 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो माय प्रोडक्ट विल बी 6, राइट? उसी तरह से अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई विल बी गेटिंग 12 एज एन आंसर। ठीक है? तो 12 एज एन इवन नंबर। अगर कोई भी एक ही इवन नंबर है हमारे पास तो उसका प्रोडक्ट इवन ही आएगा और हमें इवन ही ढूंढना है। तो तीन केसेस मिले, इसमें से मिले 6, इसमें से मिले 3, फिर इसमें से मिले और 6 इसमें से, 3 इनमें से और 6 इसमें से। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस बन गए, 6 + 3 9, 9 + 6 15 + 3 18 + 3 18 + 6 24 +
3 minus 27. So I have total 27 cases out of 36. And this is the answer. If you are asked to get the exact answer, your answer would be 3 by 4. It can be divided by 9. Right? So my answer is 27 by 36. अगर मैं ढूंढती कि किस किस को मैं इवन से कर सकती हूँ तो इट वुड बी स्लाइटली यू नो हैक्टिक, बट अगर मैं चार्ट को अच्छे से स्टडी करती हूँ और मुझे पता हो कि इवन को इवन से मल्टीप्लाई करने पे इवन मिलेगा या इवन को और से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, अगर मुझे ये चीज़ें पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टू डाइस आर रोल्ड व्हाट इज आर द probability, possibilities of getting the sum is even and odd. अगर मैंने दो डाइस रोल की तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों का सम इवन आएगा या ऑड आएगा, हमें ये सारी पॉसिबिलिटीज मिल रही है इनमें से. अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक से लेकर 100 तक नंबर्स हैं, ठीक है, मेरे पास 1 to 100 नंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें 50 इवन नंबर होंगे और 50 ही ऑड नंबर होंगे. ठीक है, उसी तरह से अब हमारे पास टोटल 36 नंबर्स हैं, यहाँ से लेकर अगर हम उनको काउंट करें तो टोटल 36 है, तो ऑब्वियसली इवन नंबर भी इसमें 18 होंगे और ऑड नंबर भी इसमें 18 होंगे. ठीक है, सिंपल आंसर था 18 and 18. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इफ टू डाइस आर रोल्ड व्हाट इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ प्राइम नंबर. अब हमसे पूछ रहा है कि दो डाइस अगर मैंने रोल करी, उन दोनों के ऊपर जो नंबर होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि उन दोनों नंबर का जो सम होगा वो एक प्राइम नंबर होगा. प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है. ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे पास यहाँ तक नंबर है, सम पूछा है, सम मीन्स एडिशन, ऐड करना, जमा करना. तो वन से यानी कि टू, वन और वन टू होते हैं और छः होते हैं 12. सिर्फ इन दोनों के बीच के प्राइम नंबर्स की जरूरत है और किसी प्राइम नंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डाइस की बात करें तो डाइस के ही नंबर लेंगे ना, प्राइम नंबर तो बहुत सारे, बट डाइस की बात हो रही है, डाइस में लास्ट सम होता है 12 का, तो उसका मतलब है हमें 2 और 12 के बीच के नंबर लेने हैं. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो 2 प्राइम नंबर है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, 2 ही सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है. ठीक है, सिर्फ 2, 2, 3, 5, 7 और 11, सिर्फ 12 तक, इन 12 तक सिर्फ हमारे पास 2, 3, 5, 7 और 11, हमारे पास ये 5 प्राइम नंबर है. तो हमें क्या बताना है कि दो डाइस को रोल करने पर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि उन दोनों को ऐड करने के बाद वो सम प्राइम नंबर होगा. ठीक है, हमारे पास ये चार्ट है, हम उसमें से भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें ये चार्ट याद है. 2, 1, 2 के आगे कितने केसेस हैं, 2 आने के कितने केसेस हमारे पास, 1, 3 आने के कितने केसेस हमारे पास, 2, 5 आने के कितने केसेस हैं, 4, 7 के कितने केसेस हैं, 6, प्लस 11 के कितने केसेस हैं, 2. अब इनको अगर हम ऐड करते हैं, 6 + 2 = 8 + 4 = 12 + 2 = 40 + 1 = 5, 15 केसेस हैं हमारे पास आउट ऑफ 36 जिनका सम, जिन दोनों का सम एक प्राइम नंबर हो सकता है, ऐसे हमारे पास 15 केसेस हैं. अगर हमें ये चार्ट याद है तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. तो इस चार्ट को याद करो, बहुत सिंपल है, 2 से 12 तक काउंटिंग, 7 तक सिंपल काउंटिंग, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग, एज सिंपल एज दैट. स्टडी करो, इनको प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो. सारी वीडियोज देखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग.